नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस पे। आज जैसे कि आप थंबनेल से टाइटल से देख सकते हैं, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके कैनरा बैंक पीओ पीजीडीएफ प्रोग्राम के थ्रू जो 2018 का 23 दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा, एक तो ये बात, और दूसरी कि कितनी आप कट ऑफ इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने अटेम्प्ट सर हमने किए हों तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दो बातों पे चर्चा करेंगे और वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन बातों पर चर्चा करने के बाद एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए, जो छोटा सा डिस्कशन, सिर्फ 3-4 मिनट का डिस्कशन रहेगा पर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, सिर्फ रिजल्ट डेट और कट ऑफ सुन के मत चले जाइएगा, जरूर वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम जो हमारे एनालिटिक्स है उसमें हम नोट कर रहे हैं कि बच्चे आगे स्किप कर करके वीडियो देख रहे हैं। ऐसे वीडियो नहीं देखना चाहिए, वीडियो आप पूरा अच्छे से देखिए। अगर वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे, जो स्पेशली जो आपको लेसन्स वाले वीडियो लाते हैं रीजनिंग और क्वांट के, तो सिलेक्शन के चांस कैसे बन पाएंगे। सिर्फ आप जो हम बातों वाला वीडियो है या फिर कट ऑफ या नोटिफिकेशंस आने वाली है खूब, सैलरी रिविजन्स या इस तरह के जो वीडियो है उसको तो आप खूब देखते हैं, पर जो लेसन्स वाले वीडियो हैं उसको आप स्किप कर करके देखते हैं, तो उससे सिलेक्शन होना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। पूरा वीडियो एकदम एंड तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो सवाल आता हो पर हम कोई और तरीके से बता रहे हैं और वो तरीका ज़्यादा अच्छा निकल जाए, इसी बात के लिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को भी हम एंड तक देखेंगे, पहले रिजल्ट डेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं हम रिजल्ट डेट के ऊपर। सर 23 दिसंबर को आपका एग्जाम था, आज हो चुकी है 10 जनवरी, 23 दिसंबर 2018 को आपका एग्जाम हुआ था जैसे कि आप जानते हैं, आज हो चुका है 10 जैन 2019, तो लगभग 18 दिन हो चुके हैं आपके ऑलरेडी, 18 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो कब तक रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट किसी भी क्षण रिलीज हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग विद इन 2 to 3 days, मतलब 3 दिन से ज्यादा डिले ये नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ घंटों में आ जाए, हो सकता है कल आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, पर 3 दिन एट मैक्स है, एट मैक्स 3 दिन और लग सकते हैं, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, जो एक्सपेक्टेड तो यही है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये कैनरा बैंक का एग्जाम 2018 में एक बार पहले भी हुआ था, कब हुआ था सर, 4 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया था 22 मार्च को, मतलब लगभग 18 दिन ही लगे थे, उसके अकॉर्डिंग तो सर आज रिजल्ट आ जाना चाहिए था, पर कई बार क्या होता है कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक्स के कारण, छुट्टियों के कारण वो डिफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा हल्का फुल्का 2 से 3 दिन का डिले आ जाता है, तो वो अगर हम कंसिडर करें तो उसके अकॉर्डिंग 3 दिन के विद इन 3 days के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो आपको संतुष्टि मिल चुकी है अब, क्योंकि पता चल चुका है कि सर 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो इस बात को सोच के एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं है, फालतू में इधर से उधर कभी इस चैनल पे जा रहे हैं कभी उस चैनल पे जा रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा क्या रहेगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ये सब तो साइड की बातें, रिजल्ट अच्छा है पॉजिटिव है अच्छा है तो बढ़िया बात है, मेंस के लिए तो आपने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर ही रखी है, ठीक है, और अच्छा ना है तो स्कोर कार्ड का इंतजार कीजिए और उसमें क्या कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं उस पर वर्क कीजिए और उस दौरान प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। रिजल्ट इन सारी चीजों पे कभी भी, जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पे कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन चीजों को आप अपनी लाइफ में वैल्यू देना स्टार्ट करें, दो चीजों को, क्या क्या, एक तो आपका टाइम और दूसरी आपकी एनर्जी, इसको जितना जल्दी आप जितना ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा सक्सेस के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बात अब आपको संतुष्टि मिल चुकी है, अब इसमें हम एक भी मिनट खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल एनर्जी अब इस पे वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सर रिजल्ट डेट की, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ जानने की जरूरत क्यों है। सर कट ऑफ जानने की जरूरत इसलिए जिससे हमें पता चल सके कि हमारा कोई चांस है या नहीं है, मतलब आगे आपका जो नेक्स्ट फेस होता है, इसमें मेंस तो होता नहीं है जनरली, जैसे क्लर्क वर्क आपकी जितने भी चाहिए आईबीपीएस क्लर्क हो एसबीआई के एग्जाम्स हो, डिफरेंट हो, 2 stages में होते हैं, रिटर्न के 2 stages में, फिर आपके इंटरव्यू भी होता है ज्यादातर स्टेजेस में, तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्स रहता है, ज्यादातर पीजीडीपीएफ प्रोग्राम्स में एक ही स्टेज रहता है, तो वो एक स्टेज आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा वो है इंटरव्यू का स्टेज, इंटरव्यू प्लस जीडी, ठीक है। तो उसके लिए सर हम तैयारी करें ना करें, इसके लिए हमें कट ऑफ जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका इस साल 4 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगी, क्योंकि टाइम ही बहुत कम ज्यादा निकला है। जैसे मार्च था लास्ट टाइम एग्जाम और दिसंबर में अगला एग्जाम हो ही गया, तो बहुत ज्यादा टाइम लैप्स भी नहीं आया और लेवल में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग सेम लेवल का था। तो मैं आपको जनरल के लिए पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, जनरल के लिए 110 से 115 का आप विंडो मान सकते हैं, इसके बीच में कहीं कट ऑफ जाएंगे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग फिर आप ओबीसी के लिए भी निकाल सकते हैं अराउंड 105, फिर आप एससी के लिए भी निकाल सकते हैं अराउंड 95, और एसटी के लिए भी निकाल सकते हैं अराउंड 90, प्लस माइनस दो तीन आप मान के चलिए। तो ये आपका कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड है कट ऑफ का। तो इस रेंज में अगर आप मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं तो आगे वाली स्टेज के लिए आप प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं। अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बाकी एग्जाम्स के लिए भी तो प्रिपरेशन चल ही रही है। प्री की अगर प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो मेंस के लिए प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। ये चीजें रुकने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया है, प्री, मेंस, और अगर आप मेंस क्लियर करके बैठे हैं तो इंटरव्यू प्लस जीडी के लिए। तो आप जिस भी स्टेज पे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये रिजल्ट का वेट करना फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना, उन स्टूडेंट्स का तो कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। जब मैंने SBI का एग्जाम दिया था PU का, तब जैसे ही प्री का एग्जाम मैंने देकर आया था, उसके नेक्स्ट दिन तो नहीं, एक दिन का ब्रेक लिया था, एक दिन का ब्रेक लेके उससे नेक्स्ट दिन से मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन ना भी हो तो भी मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करता और रिजल्ट तक वेट करता तब तक बहुत लेट हो जाता। तो ये कुछ आदतें हैं, ये हमें खुद के अंदर से निकालने की जरूरत है सिलेक्शन के लिए, ठीक है सर। ये बात होगी आपकी, कट ऑफ की भी बात होगी, रिजल्ट डेट की भी बात होगी। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन की रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं, प्रिपरेशन की रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप सिलेक्शन के और पास जा सके, ठीक है सर। अब जैसे कि अगर आप हमारे लॉन्ग टाइम फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइब आप कर चुके हैं चैनल को, तो आपको पता होगा कि कुछ ही समय में हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, एक प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है वर्चुअस ग्रूम। वर्चुअस हमारे चैनल का नाम, और ग्रूम नाम से हम एक पैकेज, एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ जो जो बच्चे जुड़े हैं अभी हमसे। बाकी इस पे एक डिफरेंट वीडियो भी, सेपरेट वीडियो डाला जाएगा, जिसमें आपको पूरा कैसे इस साल जॉब पाया जाए उसके अंदर आपको पूरा ग्रूम का मैं ओवरव्यू दूंगा। बाकी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्लासेस रहेंगी और टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो सारी आपकी, सबसे पहले तो जो पहला स्टेज होता है कंसेप्ट क्लियर करने का, तो पहले आपकी कंसेप्ट क्लियर करवाई जाएगी। अब इसके साथ साथ हम हर टॉपिक पे एक स्पीड टेस्ट या स्पीड क्विज भी रखेंगे, जिससे कि पेपर में आपकी एक सर्टेन लेवल का पेस बन सके। ये स्पेशली है प्री के लिए, क्योंकि प्री में लेवल ज्यादा नहीं आता, पर फिर भी आपको एक सर्टेन लेवल की स्पीड होना जरूरी है। मेंस में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मेंस में कंसेप्ट से काम चल जाता है, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट रहेगा, प्लस आपकी 2 से 3 हफ्ते में एक फुल टेस्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आप चेक करेंगे कि आपको कितना एक्चुअल में आपको कितना समझ पाए हैं, कितना आपको याद हुआ है, या टॉपिक कितना ज़्यादा क्लियर हुआ है, इस पे क्लैरिटी आपको मिलेगी इस फुल टेस्ट से। इसके अलावा आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे पता चल सके कि सर डिफरेंट पैटर्न्स के क्या सवाल आते हैं, लेवल क्या रहता है, इससे आप हमेशा एक कांटेक्ट में रहें, एक यूज टू रहें कि इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ 3 से 4 चीजें, इसके अलावा भी एक दो चीजें और हैं जो सेपरेट वीडियो हम जो डालेंगे वर्चुअस ग्रूम पे, जिसमें हम कंप्लीट ओवरव्यू देंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो ग्रूम का हमारा पैकेज रहेगा ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए ही है, एक तो क्वांट और दूसरा रीजनिंग। कारण, अभी हमारे पास 2 ही फैकल्टी है, रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, क्वांट सर पढ़ाते हैं, तो अभी तक हम आपको 2 के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, पर फ्यूचर में हमारा पूरा अटेम्प्ट है कि हम हमारे साथ एक तो इंग्लिश की फैकल्टी जुड़े और एक जनरल अवेयरनेस की फैकल्टी जुड़े, तो वो आने वाले समय में जरूर आपके लिए हम करेंगे, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। अभी तो हम वर्चुअस ग्रूम से शुरुआत कर रहे हैं,
प्लीज आपके लिए कुछ ही समय में ये हम लाने वाले हैं। आप हर रोज वीडियो देखिए, रिव्यू भी दीजिए और हमें बताइए भी कि क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी पहली चीज है जो आपके लिए हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियोस तो पहले भी लाते रहे पर एक सिस्टमेटिक तरीके से, नहीं एक प्रोग्राम की फॉर्म में नहीं, ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो हो सकता है छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलती हो, पर क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, हमेशा हमें सपोर्ट किया है, तो आप हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं, हमें सजेशन देखें। ठीक है, तो सजेशन जरूर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिएगा। आपके सपोर्ट के कारण ही हम बेटर से बेटर कंटेंट ला पाते हैं। ठीक है, आई होप सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। एंड तक देखा हो सेशन, स्किप करके नहीं, बीच में ही चले गए हैं या फिर आगे बढ़ा बढ़ा के देखा और फिर चले गए। पूरा सेशन देखोगे तभी पूरा मजा आएगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ देखोगे तभी के पूरा का पूरा इसका सार ले पाओगे। ठीक है, आधे से देखोगे तो सिलेक्शन भी आधे में ही रह जाएगा, पूरे से देखोगे तो सिलेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।